हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय एंड अदर व्लॉग। आज की वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है। जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर ले और बेल आइकन को दबा दे। तो आज हम अपनी वीडियो में देखेंगे जो अरीब ने वेलकम किया है इकरा कमल को। तो आइए मेरे साथ वीडियो शुरू करते हैं, चले। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी, दिस इज मी इकरा कमल, वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे, मतलब नाइट। क्योंकि जी आपको पता है कि पिछला व्लॉग हम लोगों ने रुक्सी एंड होते ही एंड कर दिया था और अब हम जा रहे हैं अरीब की तरफ, अरीब के घर। यहाँ पे है इकरा के लिए एक सरप्राइज। अच्छा, मैं देखो क्या बोल रही हूँ, भला अब हम जा रहे हैं अरीब की तरफ। भाई अब मैं जा रही हूँ अपने घर, जा रही हो अरीब की तरफ? अब मैं जा रही हूँ अपने घर, देखा आहिस्ता आहिस्ता। और अभी पता है मेरे माइंड में, अभी मैं अरीब से बात करी थी कि अभी मेरे रिफ्लेक्सेस मुझे ये कह रहे हैं कि अच्छा अरीब, मैं कहीं से जा रही हूँ वापस और अरीब जो है वो मुझे अपने घर से उन्होंने कुछ चीज लेनी है और वहां से के बाद मुझे मेरे घर ड्रॉप करना। कसम से मुझे अभी वो फील आ रही है कि मैं वापस अपने घर पे ड्रॉप होंगी, लेकिन ऐसा ऐसा आदत हो जाती है इंसान को चीजों की, और आदत क्या हो जाती है। अब तुम अपने घर जा रही हो, तुमने अपने इस घर को घर बनाना है, इंशाल्लाह। ये तुम्हारी रिस्पांसिबिलिटी है। ये मेरी रिस्पांसिबिलिटी है। जैसे तुम्हारी अम्मी एक घर चलाती थी, अब तुमने एक घर चलाना है, और ये आसान काम नहीं है। इट्स अ बिग रिस्पांसिबिलिटी फॉर मी एंड आई नीड योर हेल्प बिकॉज आई एम नॉट दैट मच मैच्योर, सो आई कैन हैंडल डिफरेंट स्टफ एट अ टाइम। सो मेरे लिए थोड़ा सा मिलके ही चलता है सब कुछ, ऐसे नहीं होता कि अब मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, तो आई डोंट नो किस तरह से खाना बनाना नहीं, लेकिन मुझे खाना खाना आता है। हाँ, मुझे भी खाना खाना बढ़िया आता है, लेकिन जाके देखेंगे हम अपनी लाइफ को, हम दोनों कैसे मैनेज करते हैं और किस तरह से अरीब मेरी हेल्प करते हैं और मैं उनकी हेल्प करती हूँ। कुछ चीजों में मैं बहुत अच्छी हूँ, कुछ चीजों में आप बहुत अच्छे हैं, माशाल्लाह। सो वी कंप्लीट ईच अदर। ऐसे ही होता है, शादी इसी का नाम है। शादी इसी का नाम है। शादी का मतलब ये नहीं होता कि आप वो है तो परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है। नो, नोबडी इज परफेक्ट। दो इम्परफेक्ट मिलते हैं तो एक पीस बनता है कम्प्लीट। अभी तो इकरा गोडा फ्राई भी करेगी। तुम्हारी बहनों ने तो मुझे बहुत लूटा है, मेरा भाई लूटेगा। अरे मेरी इस्लामियों का पैकेट किधर? लेकिन एंजॉयमेंट रस्म होती है, मैं इस चीज को एंजॉय करूंगी। मुझे लगता है हमारे एक ही तो भाई है। एक सरप्राइज है और गोडा फड़ाई की रस्म होनी है, और गोडा फड़ाई की रस्म करने वाले हैं बिल्ली के डैडी, यानी कि हमारी जो क्यूटी सी बिल्ली है, हमारा सुहान है ना, उनके डैडी करने वाले हैं। तो अब हम जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ अपने घर पे, और वहां जाकर जो भी सूरत हाल होगी आपको दिखाएंगे। लास्ट गो। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। क्योंकि आप लोगों को एक चीज तो बता दूं, अपनी शादी के दौरान जिस तरह से मैं आप लोगों के लिए व्लॉगिंग कर रही हूँ ना गाइस, ये बड़ी हिम्मत का काम है, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। और दूसरी चीज मैंने देखा है कि लोगों ने इतने एडिट्स बनाए हैं, इतने प्यारे प्यारे एडिट्स बनाए हैं, तो अगर हमें टाइम मिला ना, हाँ, तो तुमने एक बार उन पे रिएक्ट करना, ठीक है? हम दोनों मिलकर रिएक्ट करेंगे उसके ऊपर, ठीक है? डन डन डन। मुझे पता है मैं अपनी स्टोरी पे भी रीशेयर करती हूँ, मुझे किसी के एडिट्स बहुत पसंद आते हैं इंस्टा पे, हम ऐसा भी कुछ करेंगे, ठीक है? यस, डन डन। अभी चलते हैं और दिखाते हैं, लेट्स गो। सरप्राइज सरप्राइज गाइस, हम लोग अब जा रहे हैं सर पहले सरप्राइज की तरफ। तो आर यू रेडी? यस आई एम। मैंने कहा रो तो तुमने बहुत लिया, अब थोड़ा सा खुश भी किया जाए, जरा मजा आए, तुम एंजॉय करो। तो इकरा की जरा ग्रैंड एंट्री करें हम, जरा मजा शुगर लो। तो एक तो आप मुझे मेहंदियों पे ग्रैंड गाने से आप मुझे डेडिकेट करके सरप्राइज देते हो, अभी यहाँ पे नई नई चीजें आप कर रहे हो, लेट्स सी कि क्या करते हो। अभी मैं भी क्लू लेस हूँ ऐसे। चलो अभी चलते हैं। चले। ओए घर कितना खूबसूरत डेकोरेट हुआ है, माशाल्लाह। वाओ गाइस, मेरे अम्मी अब्बू का घर भी इतना प्यारा सजा हुआ था, ये मेरा घर भी कितना खूबसूरत लग रहा है, माशाल्लाह। अब मेरा वेलकम होने लगा है यहाँ पे, और मैं ये कैमरा अपना किसी और को पकड़ाऊंगी ताकि मेरा वेलकम रिकॉर्ड हो। Oh,
लिए भाईजान हमारा सरप्राइज थोड़ा सा खराब हो गया था, आधे चले आधे बाहर चले लेकिन स्विच नहीं था, स्विच नहीं लगा हुआ है, तार टूट गई थी। लेकिन ये वैसे ओवरऑल ये अच्छा अभी अभी आगे भी बहुत चीजें हैं, अभी बहुत चीजें होनी है, अभी साथ साथ आगे भी चलते हैं, ठीक है। अभी एंटी आपको नर्वस हो रही है थोड़ा सा, लेकिन सही हो गया तो चलो तुम्हें तुम्हारे सास ससुर से मिलाऊं। सबसे पहले सास ससुर और कोई भी नहीं है। हम रिक्रिएट करके आए हैं आज। तुम क्या बात बता रही थी? मैं ये बता रही थी कि जब हमारा अभी वहाँ पे बारात का शूट हो रहा था ना, तो मुझे ये पिक्चर बहुत याद आई, मैं बैठी हुई थी और अरीब को ऐसे ही खड़ा करके हमने कहा अरीब आके अम्मी अब्बू की पिक्चर रिक्रिएट करते हैं, पाक उनके जन्नत में जगह दे। मेरी अम्मी बोलते तो मेरे ख्याल से इस टाइम उनसे कुछ कोई भी ना होता, ये मुझे पता है, ये बात मैं आज लिख के देखे देखे देखे। मेरी अम्मी मेरे अब्बू से ज्यादा कुछ कोई भी ना होता। चलो वैसे मैं भी रो पड़ूंगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم جزاك الله خير। वेलकम टू रोने वाला होम। बच्चे यहाँ बच्चे आप 24 घंटे रोते हैं। कोई बात नहीं, बच्चे भी रोते हैं और बड़े जो है करते हैं, बड़ी आदत हो गई है। तो यहाँ पे तुम्हें हर चीज मिलेगी, हर किस्म का साउंड मिलेगा जब सारे आए होंगे। विमल कम हियर, हाय हाउ आर यू विमल, गिव मी अ किस, गिव अ किस, थैंक यू। बाकी वो छोटे हैं, उनको मिला के मिलवा नहीं सकता। बिल्ली को आप जानते हैं। ये जी ये आपके चीजें इमानत है आपकी। मेरी तरफ से मेरी सिस्टर्स के लिए, अरीब ने जैसे अपनी सिस्टर्स को गिफ्ट दिए, मेरी तरफ से मेरी सिस्टर्स को जो यहाँ पे हैं। भाई ये गोटा पकड़ाई शुरू हो गई है और हमने 10,000 में डील कर ली है। 10,000 में डील ली है। एक ही डेट है, कम से कम 63,000। रेट कितने होते हैं? 63। नहीं नहीं, 60 पे क्यों गए आप? आपने बिल्ली के भी अंदर ही डाल ली है। बिल्ली तो लगा है, रोज अगली आ करेगा। चलो फाइनल 20,000 रुपया। 20,000 हेल्प कर रहा हूँ। मेरी बात सुनो ना, पैसे iPhone 15 चाहिए बस। iPhone 15 उधर गोटा बदलवा देते। पहला जेब ने कुछ मांगा है, पहला वो भी हक से। हाँ। तो इसको इनकार, चलो डील करते हैं। क्या डील करो? फाइनल 50,000। चाची जल्दी नहीं, 50,000 बहुत ज्यादा। क्यों ज्यादा? ठीक है, नहीं ज्यादा ज्यादा है। आप अपने भाई की साइड ले, बदल गई है, पहले बदल गई आपकी जमान मुसलमान की होती है। चलो 50,000 रुपए मैं दे लूँ, कर रहा के ना मान लेता। मैंने बहुत फेयर वाला मैं मान लिया, मुझे ज्यादा बार्गेनिंग नहीं है। मैं अपनी भाभी की बात मान ली। 30,000 फाइनल करना है बस। क्या 30,000 करना पड़ेगा? 30 ठीक है ना? 30 क्या ठीक है? 30 में तो कुछ भी नहीं आता। मिला था हमें, ज्यादा नहीं 5 गुना ज्यादा खूबसूरत है। हमें देखो भाई, 30,000 रुपए डील लोग हो गई है, डन हो गया। ओके ये क्या है? गुलाबों वाला पानी, इसमें क्या होना है? जिसके हाथ में आती है उसका जोर चलता है। जोर चलता है? नहीं नहीं, वैसे जो पकड़ लेता है उसका उसकी लो। ये तो मैं जीत गया फिर। चलो थ्री, आप लोगों ने काउंट डाउन करना, ठीक है? ठीक है। 3, 2, 1 गो। आ गई है। मैं नहीं मानता, मैं उसको फ्री करो। और वो आई भी उंगली में है। तो फिर तो ये सोने की होनी चाहिए। ये इकड़ा की होगी, पहले तो आंसर जिसकी होती मैं ज्यादा मेहनत करता। अच्छा जी, ये मेरी तरफ से। वाह भाई वाह, जाओ बाबा पास।
उनकी बेगम का बस वो 40,000 निकालते हैं यार। देखो तो कितने सारे हैं। यही 40,000 दे दिया हमने, हमें हमसे कुछ नहीं मांगे। आप मोबाइल घूम जा रहा था, कहते हैं जो देते हो वो वापस आता तो देख के मारा जल्दी नहीं आ गए। चलें जी गाइस, सारी रस्में वस्में हो गई हैं, बहुत मजा आया, बड़ा एंजॉयमेंट माहौल था, अभी एकदम मूड फ्रेश हो गया। लेकिन मैं इतना थक गई हूँ कि अब मैं ये सारी पहले तो ज्वेलरी रिमूव करूंगी, बिकॉज मैं ये नोज पिन पहन पहन के थक गई हूँ। अभी से थक गई हो, अभी तो एक और सरप्राइज है। तुम चलो ज्वेलरी वगैरह उतार दो, थके थक गई हो, इजी हो जाओ, बाकी हम चलते हैं। ठीक है, रेडी हो जाओ, एक और सरप्राइज तुम्हारे लिए। और मैं आपको दिखाती हूँ, एक ये मुझे गोल्ड की रिंग मिली है गिफ्ट में, जो मैं जीत गई हूँ, और मैं अरीब पे पूरी जिंदगी हुक्मरानी करने वाली हूँ। और जो मेरा ऑर्डर होगा, यू विल से नो मैम, ओके पार्टनर, ओके पार्टनर, यस, कुछ जी हजूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो मसला हो जाएगा। मैं जूरी शूरी निकाल के तो फिर मैं। सो गाइज, हम लोग घर की रस्मों वगैरह से हो चुके थे बिल्कुल फ्री, और मैं इतना ज्यादा थक गई थी, आपको पता है कि मैं सुबह 4 बजे से लेके अपने इवेंट तक और घर आने तक कितनी देर तक तैयार होकर बैठी रही हूँ, मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ। मैंने अपना हेयर डू सारा खुलवा लिया, मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ की हेल्प से ना अपना सारा ये सर को इतनी सारी पिंस निकली है कि मैं आपको क्या बताऊँ। खैर, वो चुभ रही थी, लग रही थी, तो मैंने वो सारी जो है ना वो वैनिश कर दिया। नाउ आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड। मैंने अपने घर से अपना सामान मंगवा लिया था, और घर से सामान आपको पता है कि मैंने वहाँ पे ऐसे पैकिंग की नहीं थी, इतनी शादी की तैयारियों में बिजी थी, तो सिर्फ अपना ये एक ड्रेस मंगवाया है, और बाकी जो कल ड्रेस पहना नाश्ते के टाइम पे वो मंगवाया। अब जो है वो अगला सरप्राइज का मैं वेट कर रही हूँ। अरीब साहब कह रहे हैं कि जी एक और सरप्राइज है। पहला सरप्राइज तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छे से वेलकम हुआ, इतने फन तरीके से रस्में हुई है ना, मुझे बहुत मजा आया। और मुझे ना ये चीज हमेशा मैं आइडियलाइज करती थी, हमें शादी में ऐसे करूंगी ऐसे करूंगी, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था, एंड आई एम सो हैप्पी। और दूसरी चीज ये है कि वो सरप्राइज जो है वो मुझे जहां तक डाउट हो रहा है ना, दूसरे वाला वो अरीब ने मुंह दिखाई वाला देना होगा, बट वो क्या मिलेगा, वो कैसे होगा, वो मैं सारा आपको बताऊंगी लेकिन अगले व्लॉग में इंशाल्लाह, क्योंकि कल मेरे फैमिली ने नाश्ता भी लेकर आना है, और कल जो मुंह दिखाई पे मुझे गिफ्ट मिलेगा मैं आपको वो भी दिखाने वाली हूँ। तो आप लोगों ने कनेक्टेड रहना है एस्ट्रोलॉजी के साथ, स्पेशली मेरे साथ, और मुझे अपनी दुआओं में मेरी फैमिली को याद रखिएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। ये था आज का हमारा व्लॉग, जो कि मुझे बहुत मजे का लगा। अब मैं एक्साइटेड हूँ कि अगले व्लॉग में क्या होगा, तो इंशाल्लाह अगला व्लॉग भी मैं आप लोगों के साथ ही बैठ के देखूंगी, तो मेरे साथ बने रहिएगा, और मुझे लाजमी सब्सक्राइब कर लें। ओके गाइज, बाय।